हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। टुडे वी विल स्टार्ट लेसन नंबर 3, स्टार्टिंग एंड शट डाउन द कंप्यूटर। वी ऑल नो अबाउट कंप्यूटर, लेट अस लर्न हाउ टू टर्न ऑन एंड ऑफ ए कंप्यूटर करेक्टली। तो बेटा, हम सभी कंप्यूटर के बारे में जानते हैं, तो आज हम कंप्यूटर को ऑन कैसे करते हैं और कंप्यूटर को ऑफ कैसे करते हैं बेटा, उसके बारे में सीखेंगे। वी मस्ट स्टार्ट एंड शट डाउन ए कंप्यूटर प्रॉपरली। तो बेटा, हमें कंप्यूटर को बिल्कुल अच्छे तरीके से कंप्यूटर को बंद करना और स्टार्ट करना आना चाहिए। स्टार्टिंग ए कंप्यूटर, फॉलोइंग आर द स्टेप्स टू टर्न ऑन ए कंप्यूटर। तो बेटा, आज हम सीखेंगे कि कंप्यूटर को सबसे पहले हमें स्टार्ट कैसे करना चाहिए, कि कंप्यूटर को ऑन कैसे करना चाहिए। स्विच ऑन द पावर बटन ऑन द इलेक्ट्रिक बोर्ड। तो बेटा, सबसे पहले हम क्या करेंगे, पावर बटन को ऑन करेंगे। पावर बटन बेटा हमारा कहाँ होता है, इलेक्ट्रिक बोर्ड में, जहां पर हमारे ऑन और ऑफ के बटन होते हैं बेटा, वहां से हम क्या करेंगे, स्विच को ऑन करेंगे। जहां पर हमारी वायर कनेक्टेड होती है, जहां पर हमारी तार लगी होती है, वहां से बेटा हम क्या करेंगे, बटन को ऑन करेंगे। सेकंड, स्विच ऑन द पावर बटन ऑन द यूपीएस। अब सेकंड बेटा हम क्या करेंगे, यूपीएस में से बटन को ऑन करेंगे। कहां से करेंगे बेटा ऑन, यूपीएस में से हम बटन को ऑन करेंगे। ओके बेटा। थर्ड, प्रेस द पावर बटन ऑफ द सीपीयू। फिर बेटा हम क्या करेंगे, सीपीयू का जो पावर बटन है उसको क्या करेंगे, प्रेस करेंगे। किसका बेटा, सीपीयू का, सीपीयू का जो पावर बटन है बेटा उसको क्या करेंगे, हम प्रेस करेंगे। ओके। नेक्स्ट, स्विच ऑन द पावर बटन ऑफ द मॉनिटर। स्विच ऑन द पावर बटन ऑफ द मॉनिटर। फिर क्या करेंगे बेटा, हम जो हमारी मॉनिटर होती है उसका जो बटन होता है उसे हम क्या करेंगे, ऑन करेंगे। किसका बेटा, मॉनिटर का। ओके बेटा। तो सबसे पहले हमने क्या किया बेटा, स्विच ऑन द पावर बटन, जो हमारा इलेक्ट्रिक बोर्ड होता है, जो बिजली का बेटा हमारा बोर्ड होता है, जहां पर हमारे सभी स्विचेज लगे होते हैं, ट्यूब के, फैन के, वहां से हम क्या करेंगे, जहां पर हमारी कंप्यूटर की वायर लगी है बेटा, वहां पर जो उसके साथ बटन है उस बटन को हम क्या करेंगे, ऑन करेंगे। सेकंड, फिर हम क्या करेंगे, स्विच ऑन द पावर बटन ऑन द यूपीएस। फिर बेटा हमारी जितनी भी केबल्स वगैरह कंप्यूटर की जो लगी होती है वो कहाँ लगी होती है, यूपीएस के अंदर। फिर वहां से हम क्या करेंगे बेटा, यूपीएस का जो बटन है उसको ऑन करेंगे। ओके। थर्ड, प्रेस द पावर बटन ऑफ द सीपीयू। फिर क्या करेंगे बेटा हम, थर्ड स्टेप, सीपीयू का जो पावर बटन है बेटा उसे हम प्रेस करेंगे। ओके। नेक्स्ट, स्विच ऑन द पावर बटन ऑफ द मॉनिटर। फिर बेटा हम क्या करेंगे, मॉनिटर का जो बटन है उसे हम क्या करेंगे, ऑन करेंगे, जहां से हमें हमारी मॉनिटर क्या होती है, स्टार्ट होती है और ऑफ होती है। ओके बेटा। तो यहां से बेटा हमने क्या सीखा है कि कंप्यूटर को हम स्टार्ट कैसे करते हैं। यहां पर हमारे 4 स्टेप्स थे, इन 4 स्टेप के अंदर हमने क्या सीखा है कि सबसे पहले इलेक्ट्रिक बोर्ड से ऑन करेंगे, सेकंड बेटा क्या करेंगे, यूपीएस को ऑन करेंगे, थर्ड सीपीयू का बेटा बटन प्रेस करेंगे, फोर्थ मॉनिटर का बटन ऑन करेंगे। ओके बेटा। नेक्स्ट है शट डाउन ए कंप्यूटर। तो नेक्स्ट बेटा हम क्या है कि कंप्यूटर को शट डाउन कैसे करेंगे। वंस यू हैव फिनिश योर वर्क ऑन द कंप्यूटर, यू नीड टू टर्न ऑफ और शट डाउन द कंप्यूटर। अब क्या कह रहे हैं कि बेटा, जब हमारा कंप्यूटर के अंदर वर्क फिनिश हो जाता है, जब हमारा काम खत्म हो जाता है, तो हमें कंप्यूटर को क्या कर देना चाहिए, बंद कर देना चाहिए। ओके बेटा। जब हमारा कोई भी काम कंप्यूटर के अंदर क्या हो जाता है, बंद हो जाता है, तो हमें क्या कर देना चाहिए बेटा, कंप्यूटर को बंद कर देना चाहिए। अब फॉलोइंग आर द स्टेप्स टू शट डाउन ए कंप्यूटर। अब कुछ बेटा स्टेप्स होते हैं कंप्यूटर को बंद करने के, क्या होते हैं, फर्स्ट क्लिक द स्टार्ट बटन। कहां पर क्लिक करेंगे बेटा हम, स्टार्ट बटन पर क्लिक करेंगे। सेकंड, क्लिक ऑन द शट डाउन। सेकंड कहां क्लिक करेंगे बेटा, शट डाउन पर क्लिक करेंगे। ओके। थर्ड, स्विच ऑफ द मॉनिटर व्हेन यू सी द मैसेज।
फिर वहां से क्या करेंगे बेटा, स्विच ऑफ कर देंगे मॉनिटर को। कहां से? व्हेन यू सी दिस मैसेज, जब हमें मैसेज क्या हो जाएगा कि हमारा कंप्यूटर शट डाउन हो गया है। स्विच ऑफ द यूपीएस, फिर वहां से बेटा हम क्या करेंगे, यूपीएस को भी स्विच ऑफ कर देंगे। स्विच ऑफ द पावर बटन ऑन द इलेक्ट्रिक बोर्ड, बेटा जब हमने कंप्यूटर को जहां से स्टार्ट किया था इलेक्ट्रिक बोर्ड से, फिर वहां से हम दोबारा क्या कर देंगे, उसी इलेक्ट्रिक बोर्ड से कंप्यूटर को बंद कर देंगे। ओके बेटा, तो आज बेटा हमने क्या क्या सीखा है कि कंप्यूटर को स्टार्ट करने के लिए हमें किन किन स्टेप्स को फॉलो करना होता है, और कंप्यूटर को शट डाउन करने के लिए या बंद करने के लिए हमें किन किन स्टेप्स को फॉलो करना होता है। ओके बेटा, तो इन सभी स्टेप्स को बेटा आपने अच्छे से लर्न करना है और रीड करना है। ओके बेटा।